आपने आप करे से मैंने एक बारी भी ये बोला कि हराम का आता है मैं नहीं आप बोले ना अपने आप बोले नहीं बोले ये बताओ पढ़ेंगे नहीं हाथ दिखा रहे हैं बीच में दांत अपना दांत एनएस ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का नाम है मौसी की थोड़ी सी तबीयत खराब है तो मैंने पंकज भाई ने अपने नाश्ते का जुगाड़ खुद सोच रखा है और हम लोग बनाने जा रहे हैं भाई धनिया। तो मैंने फिलहाल सब काट दिया है, इसमें प्याज भी थी, प्याज अभी हमने इसमें डाल दिया। अब फ्राई कर रहे हैं पंकज भाई, मुझे टेस्ट मैं लाऊंगा, बेसिक मुझे आता है लेकिन बढ़िया बनाने के लिए यूट्यूब खोल रखा। सारे मसाले रखे हैं, नमक है, जीरा है, तो इसको हम हल्का सा लाल होने देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे कुछ। टमाटर डालना नहीं, वो डालना होगा, इसके साथ ही प्याज में इसके साथ मिर्चा डाला जाता होगा। तो कोई अब इसको फाड़ेंगे, पानी में हो जाए, भर जाए और ओवरफ्लो करे बस। हाँ बस डालो। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली सब अब चलाना बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बंद कर दो पंकज भाई। मैं बता दो, डाला ना उसमें रखा था, डाल दिया। हाँ इसमें है? हाँ भाई, अगर हम लोग लुक्स देखें ना तो भाई टेक्सचर तो बहुत अच्छा है। ए भाई निकालो तो पकड़ लेगा। हाँ भाई बना लिए हम लोग फाइनली। कैसा पंकज भाई? बढ़िया। इधर देखो तो टेस्ट कैसा है? बुरा। नमक वमक तो कम नहीं है? नमक तुमने बनाया कम होगा। भाई कैसा है? अच्छा। किस्मत वाले बेटा सही टाइम पर। मौसी कैसा बना है? बढ़िया बना ना? बहुत बढ़िया। तुम्हारा लॉन्डन बनाया पंकज भाई ने, मतलब दोनों लॉन्डन। हाँ बेटा। तो भाई एक नंबर चीज हमने बनाया, अब मैं टेस्ट करूँगा। लोग परफेक्ट है ना? ज़्यादा बहुत बढ़िया बात। तो अब भाभी अगर भाभी अगर ये वीडियो देख रही हो तो कृपया आप पंकज भाई से ओट्स तो बनवा ही सकती हो। सुबह का पहले शेफी था, उसके बाद एटो पहले शेफ था, उसके बाद टेलीकॉम में चले गए भाई। वैसे नहीं कि हम लोगों ने काम बढ़ाया है, हम काम करने बाद साफ भी कर देते, क्योंकि लड़के लोग बहुत बदनाम है ना, लड़के की काम करना तो बहुत फैला देते। नहीं पंकज भाई बड़े डिसिप्लिन बनने हैं और मैं उनसे भी ज़्यादा। पंकज भाई ने बनाया था, कभी बनाया और बना खाई पंकज भाई के हाथ? पहली बार। अच्छा बना था पहली बार? पंकज भाई ने बहुत बढ़िया बनाया। एक काम करा, उसके बाद सुनो बर्तन धोना है और मुंह में ब्लेड डालना फिट है? फिट है नहीं हो? अगला कोर्स पढ़ा कैसे आएगा? पहले ब्लेड सीखोगे तभी तो पॉकेट मारना सिखाएंगे, काटना। अब उनके मन में ब्लेड के दो टुकड़े करने, एक यहाँ फंसाना, एक यहाँ पे फंसा लिए। मुंह में ऐसा चलाना कि मुंह कटे ना, फिर उसके बाद बसों में बैठना शुरू करो। कौन वाली बस भाई? 212। फिर जेब काटना चालू। बढ़िया, 1.5 लाख रुपए महीना कमाओगे, ना पढ़ाई की टेंशन ना कुछ। हाँ भाई। हाय। नीचे वाले तो दिख नहीं रहे, ऊपर वाले दिख गए। जाग रहे तुम लोग? ये गन्नू बदमाश हो रहा है। पढ़ाई नहीं करेंगे हम, तुरंत 2 मिनट जैसे हटता हूँ वैसे कॉपी किताब बंद, बैग वैग पैक के करके किनारे। नमस्ते भाई। और भाई बड़े बदमाश, आशीष बदमाश है। सूची क्या कहेंगे? सूची कहेंगे व्रत में हो क्या? व्रत में ही रहेंगे। हेयर स्टाइल देख रहे नाना के? नानी को लेके जा रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल का नाम है भाई? बड़ा बढ़िया नाम है। अस्पताल का नाम क्या था पंकज भाई? अरे यार ये नाम ही नहीं था। तुझे मैं बोल रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा। दिल्ली लंग्स। अरे यार बोलते तुम्हारे यार है वो। अब तो मैं मारता हूँ। मामा से मिलो। माँ बेटे दोनों पेशेंट हैं। चलो बाबू का आ रहा है। चढ़ी ना पाओ बताए गिरा दे।
अरे बूंदी में, अरे मैं मामा उठा लेंगे बूंदी में। चलो तो भैया गन्नू ने क्या नाम है जनवरी फरवरी नहीं सुनाया है तो सूरज हाँ विनायक इनकी सारी गाड़ी सीज हो गई, इनकी सारी गाड़ियां इकट्ठा करा सीज करा दी जा रही और ये असलाह भी जो ये असलाह भी उसको मैं क्रश करवा दूंगा, क्रश नहीं करवाना है लेकिन आज सीज होगी गाड़ी सारी एक पन्नी दे दो मामी, ज्यादा खोलो मत खुल जाता है ठीक है। कितनी कल कब सुनाओगे 40 मिनट कब तक सुनाओगे अभी 40 मिनट कब सुनाओगे बताओ ना तोड़ भी दूंगा अभी ऑन द स्पॉट तोड़ अभी ना अभी कितनी देर में आधा घंटा दे रहा हूँ 40 मिनट याद करो आधा कितना टाइम अभी ना याद कराओ और शरीर कुछ पहन लो बाबू माइकल जैक्सन तुम ये था फाइनेंस मिनिस्टर कौन है फाइनेंस मिनिस्टर कल बताया था फाइनेंस मिनिस्टर नहीं गृह मंत्री कौन है हाँ होम मिनिस्टर कौन है कैसे नहीं पता कल ही बताया था आपने वो ही बताया था सबका आंसर बताया था मैंने नाना नानी मिला है नानी मिला है नानी को जितनी हाई सिक्योरिटी में रखा है अब तुम भी नहीं मिल पाओगे अब वहां सिर्फ अस्पताल में डॉक्टर इलाज करके सीधा तुम्हें सेहतमंद तुम्हारी बीवी वापस ला के दे देंगे ऐसी जगह हिरासत में सेंट्रल जेल है वो मैं नहीं खाऊंगा मैं खा पी क्या नहीं दो राउंड खाए सुन आज तो उसको मत खिला यार घर पे खा लेना खाना इतना चावल नहीं खाएंगे फॉर्मेलिटी उनके लिए वो चावल नहीं खाएगा बहुत कमीना है एक रोटी खा ले रो फॉर्मेलिटी के लिए आप खा चावल खा लेंगे हाँ ये से हो गया खाना कंप्लीट बैठ जाओ कमल नहीं रहेगा हाँ सीज भाई थोड़ा ही देर से दाल चावल वहाँ खा ले अब ये सारे जने यहीं खड़े हैं गेट बंद कर लिया पढ़ेंगे नहीं हाथ दिखा रहे बीच दांत टपना दांत हटो यार तुम भी नहीं खुल पा रहा बारी बारी खोलो ओलंपिक्स में हटो 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 लाओ मार के तोड़ना गुड़गांव से बुलाया कारीगर हमने गुड़गांव से अगर चाबी यही है सुनो नहीं नहीं ऐसे नहीं मोड़ो ऐसे हाँ खोल गुड़गांव का कारीगर काम कर गया किसी का नुकसान ना करो यार ये गाड़ी तो अब ठीक हो गया ऐसे है ना आज तो भाई जाओ सही है हमारे पास आए मेहनत का यही सारे कमाते नौकरी वाले हम चूतिया हैं हम मतलब किसे क्या अपने आप पर ऐसे मैंने एक बार भी ये बोला कि हराम का आता है मैं अपने आप बोले ना अपने आप बोले नहीं बोले ये बताओ अपने आप बोले या नहीं बोले अपने आप की बात की अपने आप बोले नहीं बोले मैं ही तब विचार करके ऐसे वही से पेपर हराम का भैया मत करो मेहनत की कमाई बाय भैया भैया कहाँ अंदर जा धीरे चलाना गाड़ी ये रिकॉर्ड हो गया अब कुछ हो गया ना तुम लोग को तो क्लिप काट के लगा दूंगा शॉर्ट्स में कि दुबे जी कह रहे थे कि धीरे चलना लेकिन फिर भी जाके बच गए बाबू खिला दो निकाले स्कूटी थोड़ी क्या पैसे घर में डाल लो बोल सारा पैसा कहाँ गया तुम्हारा सारा पैसा अभी अभी बोलूंगा ना 5 बार गुटखा खाना है तो अभी 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 लो 20 रुपए 50 रुपए निकल जाएंगे क्या करना क्या है यार गुटखा खिला रहे हो शहद डाल के खिला रहे तो बताओ अच्छा वो गुटका ही खिला तो गुटके के लिए अभी तुरंत पैसा निकलेगा गुटका तो क्या अपने जेब में रखा जेब में है वो भी दे दूंगा अच्छा कहो ई क्या तो क्या तो ई मत करवा यार अच्छा बोलो जुबा केसरी बोल दो इशार बोलो लग रहा है यार नीरज कहाँ लग रहा है कल जाना ऑफिस जाने कल तो बंद है 2 अक्टूबर खुला है हमारा गाड़ी सर्विस होने का सर्विस सेंटर कहाँ बंद है हाँ। आओ तो इनसे कहा फलूदा खिलाओ नहीं तो गुटके के लिए तुरंत कि 10 बेटा तुम चलो तुम दोनों बढ़ो आगे तो ये कमला पसंद ले ली इधर देख भाई इधर फलूदा नहीं खिला कमला ले लिए ना
भाई इतना हरामी है। हमने पंकज भाई ने इतनी बार भाई मुझे लगता है दो हफ्ते से क्या रोना फल होता है, दो साल ये नहीं खिलाएगा भाई। दोस्त दो बहुत सेल्फिश आदमी है, सिर्फ इसे कमला खाना है, बस कमला खाना है। अनस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी आप व्यू देखो भाई, ये व्यू दिखाने के लिए मैं ये वाला व्यू बन रहा है। तो अभी बेसिकली हम लोग जा रहे हैं कमला नगर मार्केट और ये है दिल्ली में नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस कोरिया में नहीं बोला, मैं एरिया बोला। डी यू की कौन सी गली? ये कौन सी गली है कर, ये तो वहाँ की ना, ये जवाहर मार्केट है। ये सब शवारमा वाले हैं यार, देखो भी शवारमा, ये भी शवारमा, ये मामा जी के बर्गर। ये भाई बिस्ट्रो 57, यहाँ कॉफी मिलती है बढ़िया। इसका इसका नाम क्या था, मैं नाम भूल गया भाई इसका, शाम है पता नहीं क्या नाम, सारे दिन ऑर्डर ही ऐसी किया। लेकिन अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, हमें हेजल नट है, हेजल नट तो मैंने पी थी, बहुत बढ़िया है। महंगी इसीलिए चॉइस, सबसे महंगी है वो। लेकिन मैं दूसरे का पैसा लग रहा था तो मैंने रिस्क ले लिया, अपना लग रहा था तो मैं रिस्क नहीं लेता इस वाली कॉफ़ी पे। लेकिन लिटरली अच्छी है। हम लोग खाएंगे शवारमा। तो भाई हमने मंगा लिया पनीर शवारमा। अबे रोटी है क्या? रोटी है तो ये पूरा पनीर की फिलिंग है बड़े भाई, तो अनहेल्दी नहीं है ठीक है। रोटी और ये थोड़ा बहुत चाहिए, रुमाली रोटी हो सकती है, बाकी है तो हेल्दी है। जैसे मुंह में से पनीर पनीर खा रहे हो भाई। अब तुम बोलोगे जब दो बंदे साथ रहेंगे तो दो बंदे दिखने को चाहिए। तुम्हें क्या क्या हमें, मैं बेसिकली मुझे पैंट चाहिए, शर्ट नहीं, शर्ट पहन, शूज चाहिए। शूज ऐसे हो जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि भाई काम ऐसा है कि पूरा दिन फील्ड वर्क रहेगा, ऐसा कोई लड़की निकल जाती है अपने आप इंग्लिश निकल जाती है, जटियम वाला फील आ जाता है। दिल्ली आ गए ना, पहले तुम उत्तर प्रदेश की राजधानी में, अब तुम भारत की राजधानी। मैं मुझे पसंद लेकिन राजधानियाँ ही हैं, अब पसंद राजधानियाँ ही हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खासियत खासियत वाली चीज़ क्या है भाई? सबसे ज़्यादा खासियत वाली चीज़ है यहाँ पे नाका क्राउड, क्राउड ना, जेंट्री बहुत अच्छी है भाई। जैसे स्टूडेंट लॉबी है यहाँ पे पूरी, नॉर्थ कैंपसेस नहीं है तो उसका एक जो है ना जेंट्री है, क्राउड अच्छा है। जिस हिसाब से जितना अच्छी जेंट्री है उतनी रंगबाज जेंट्री। क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जैसे ड्यू के वो लौंडे जो राजनीति में हैं, इलेक्शन इलेक्शन लड़ते हैं, उनका उनका तुम्हें उनका भी मतलब कह दो ये उनका गढ़ है, बैठते यही हैं, उठते यही हैं, रंगबाजी यही करते हैं। जिसका इम्पैक्ट तुम्हें ऐसे भी मिलेगा कि यहाँ पे जितनी बुलेटें चल रही हैं सब जाट भाई, सब जाट गुजर और ठाकुर। तो ये है भाई, ऑलवेज बटे हुए लेकिन हैं सब साथ के। कुछ ब्राह्मण अपनी 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 भी कम्युनिटी में, वो बेसिकली बुलेट से नहीं चलते, साइलेंटली मर्सिडीज से चलते भाई। ये खत्म हो गया, कहाँ पे इसमें हमको अंकल मिल गए, अब अंकल हमारे तीनों पैंट फिटिंग कर देंगे। बढ़िया बढ़िया, हमने तीन कलर लिए हैं। अब मेरा टारगेट शूज का भाई, चप्पल नहीं, चप्पल देख लें कोई ले लूं। तो अभी दोनों भाई आ गए हैं शूज देखने। अंकल भाई कह रहे मेरे को दो तीन जूते दिलाते भाई, मेरी शादी आ रही, खर्चे बहते नहीं यार, हो गया अपना। अब मुझे अपना पुराना चप्पल याद आ गया, मैं ये चप्पल पहनता था बाटा का, ये वाली। लेकिन भाई तो महंगी हो गई पता, जब मैंने लिया था तो ये 300 रुपये में, आज की डेट ये हो गया है 700 रुपये का भाई, महंगाई बढ़ रही है। मेरे पास चप्पल है लेकिन अब वो मैं घर भी भूल गया हूँ, मैंने तिब्बत मार्केट से लिया था बढ़िया वाला, यही चप्पल ले लूँगा भाई। तो भाई चप्पल हमें समझ में आ रहा है क्योंकि ये मैं पहन रखा हूँ, एक्सपीरियंस है, मजबूत दिखाओ। और ये जूता सोच रहा हूँ फाइनल कर लूँ, क्योंकि ये प्लेन है ना, प्लेन होने की वजह से कम्फर्टेबल है, हील नहीं है इसमें। और ये वाला जूता पैक करा, इसको तो मैंने देखता ढीठ, जानते हो पंकज भाई ढीठ क्या होता है? ये होता है ढीठ भाई, इतना ढीठ जूता है ना भाई, तो मैं बता इसको मैंने 19 में लिया था, 6 साल से पहन रहा हूँ, खींच दिया भाई मैंने इसको। ये केदारनाथ के ट्रैक पे भाई, केदारनाथ के ट्रैक पे पहन लिया, इतना सरका है, मैंने उतरते वक्त पहन लिया भाई, इतना सर
ले भाई ले, मस्त आदमी है भैया हमारे सेल्समैन भाई। हाँ यार नाम तो ऐसे बढ़िया है भाई का। शूज ये भी सही लग रहा है यार। क्या रेंज में वैसे ये वाला? वो 2500 का। और ये? ये भी सही प्राइस है। हाँ ठीक है, शूज ये भी सही लग रहा है। तो भाई पहले मैं जो पसंद कर रहा था वो मैंने पहना था, लेकिन जैसे ये चप्पल मैंने पैर में डाला है ना भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो मैंने फाइनल ये फिर को मैं मिरर में दिखा रहा हूँ, सेक्सी भी लग रहा है भाई, देखो लुक्स देख रहे उसके, एक नंबर लग रहा। तो हमारा डन हो गया, चप्पल जूता अपना वाला पैक करा रहा हूँ चप्पल की जगह। बता दो अंकल ये दुकान है, क्या नाम है? जवान नगर है ये, ब्रांडो, ब्रांडोस के नीचे बैठते हैं अंकल। सुनो कितना हो अंकल? मैं ये कहता पंकज भाई जब इतने खर्चा हो ही गया है तो बेल्ट और रुमाल और बच्चे वो भी ले ही लेते, लेकिन बेल्ट तो जरूरत पड़ेगी ना, तुम्हारी तो बेल्ट नहीं ले सकता ना, कमर नहीं बैठ बैठेगी तो हो ही गई है। दो चप्पल प्राइस, लेकिन ओवरऑल 10 हो गई है हमारा।